नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी और आज मैं फिर से आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स का टॉपिक है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे पहले भी मैं कुछ एक बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको जरूर शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रैक्शन होता है क्या है? सबसे पहले देखिए, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3 आगे ऑनवर्ड। देखिए, जो 0 से स्टार्ट होता है वो फ्रैक्शन होते हैं सारे के सारे, और होल नंबर भी सारे के सारे फ्रैक्शन होते हैं। तो क्यों होते हैं? देखिए, फ्रैक्शन जो है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट बी 0। तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्यू की वैल्यू है 0 नहीं हो सकती है। कहने का मतलब पी क्या हुआ? न्यूमिरेटर, और आपका क्यू क्या हुआ? डिनोमिनेटर। मतलब कि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता है, पर पी इक्वल टू 0 हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मान लीजिए 1/0 लिख लिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। 1 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो क्या करेंगे डिवाइड? 0 0 0 0, तो ये 1 आ जाएगा माइनस करके। फिर 0 से करेंगे तो यहाँ 0 1, तो ये कंटिन्यू जाता रहेगा, तो ये क्या इन्फिनिटी तक आता रहेगा। तो ये इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो मींस कि वी कैन नॉट बी सॉल्व व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर ये फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ क्या होल नंबर है, ये होल नंबर भी ये नहीं है। ये 1/0 जो है होल नंबर नहीं होगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर कि 0/1, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो सकता है। यस, इट इज अ फ्रैक्शन। क्यों? देख लेते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल कि क्या क्या हमने 0 को 1 से डिवाइड किया। तो पहले क्या करूंगा, 1 0 0, देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट मींस कि q इज इक्वल टू नॉट बी 0। हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये थी थोड़ी सी डेफिनेशन फ्रैक्शन की। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेनली हम 3 टाइप के ही करने वाले हैं यहाँ पर। 3 टाइप के फ्रैक्शन में से फर्स्ट फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेकेंड है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट है। यहाँ पास मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ वाला भी ले लेते हैं, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, मैं स्पेलिंग नहीं लिखा पूरा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखेंगे इसको बाद में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि मैंने लिखा 1/2, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान से देखना है। अगर कभी भी याद रखना कि डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन टू न्यूमिरेटर हो, तो इट मींस ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एग्जांपल ले लेते हैं 3/5, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने ले लिया 7/11, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है, तो इट मींस ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अभी हम यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2। तो देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, न्यूमिरेटर क्या बड़ा है, ये हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर अगर मैं ले लूं यहाँ पे 4/3, तो ये भी कैसा है, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं 1/1/2, जैसे लिखा मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मजेदार क्या है, रिलेशन है इन दोनों के बीच। कैसे रिलेशन है, जब भी हम इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो वो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं होने वाला है, कभी नहीं। देखते हैं यहां पर ये किस में चेंज होएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, 2 1 2 2, और देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और होल नंबर को, 2 1 2 + 1 3 3/2, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, पहले अभी मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि ये क्या हो गया हमारे पास, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए कैसे, कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, क्लियर है। तो अब देखिए, अगर हम कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को बोला आपको कि इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ये कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये होगा कैसे होगा देख लेते हैं। ये हो क्या रहा है कि 3 जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 1 कितना हुआ 2, ये हमारे पास यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहा।
तो देखिए यहाँ पर एक मजेदार चीज है कि हमेशा याद रखिएगा कि जो ये हमारे पास क्या है डिवीजर है वो अपने प्लेस पे रहेगा जहां पहले था वो वही लिखना है आपने, और जो कोशेंट है हमारे पास वो फ्रंट में लगाना है आपने, ठीक है, इसके मुंह के आगे जो कि होल नंबर आ गया, कोशेंट क्या हो गया होल नंबर, और रिमाइंडर जो है सिर के ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा गजब का रिलेशनशिप है इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन पे। तो ये था यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा जब हम यहाँ दोनों चीज दो फ्रैक्शन है अंडरस्टैंड कर पाएंगे तीनों तीनों को तीनों, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि 2/3 थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2/3, 4/7 और आपका 3/2 जो है ये 1, ये 2nd, ये आपका 3rd है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है किस टाइप के फ्रैक्शन है, कि अगर ये आपका प्रॉपर है चाहे ये वाला ये है प्रॉपर इम्प्रॉपर, या तीसरा ले लेते हैं हम एक फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं 1/2/3, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये वाले जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप के है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि फ्रैक्शंस जो है कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फ्रैक्शंस में आपके जो बेसिक फोर ऑपरेशंस है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फोर ऑपरेशंस प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई का डिवाइड का और इवन एक इक्वल टू है नेक्स्ट, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर ये वाले साइंस होते हैं फ्रैक्शंस के भी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ का भी इसमें रोल रहने वाला है, एलसीएम का भी इसमें रोल रहने वाला है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो है मैं इससे इन टॉपिक के बारे में पहले से ही वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और आई बटन में भी देख लीजिएगा, दोनों के दोनों टॉपिक वहां डिटेल में बताया कि एचसीएफ क्या है एलसीएम क्या है और फैक्टराइजेशन तीनों को तीनों टॉपिक मैंने वहां पे कवर किए हैं, उसको जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।